स्वागत है। अब खबरों की शुरुआत करते हैं। डीकेएस अस्पताल में फर्जीवाड़ा केस में अभियुक्त बनाए गए पुनीत गुप्ता को दिए गए अंतरिम बेल के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आज न्यायाधीश आनंद भूषण और न्यायाधीश थॉमस की डबल बेंच में शासन की तरफ से वरिष्ठ अभियुक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की, जिसके दौरान न्यायालय में यह माना कि बेल किसी ठोस कारण के बिना दिया गया, जबकि मामला कई करोड़ों के गबन का है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर अभियुक्त को पूछा कि अंतरिम बेल को क्यों ना निरस्त किया जाए।